नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेश न्यूज। यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज की न्यूज अपडेट, कोर्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। अंधेशकों के मसीहा डॉक्टर एपी सिंह साहब ने कितनी मजबूती से पक्ष रखा है अंधेशकों का मानदेय 17,000 को लेकर। सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी, किस तरह से कमजोर हुआ है सरकार का पक्ष। लगातार सुनवाई हो रही है अंधेशकों की और कल भी सुनवाई होनी है। सुनते हैं क्या कहा। आज भी बड़ा अच्छा रहा आर्गुमेंट पे। कोर्ट ने लगातार इस बात को कहा, कई एडवोकेट 15,000 की बात करने लगे। अपॉइंटमेंट का मैटर नहीं है, 15,000 नहीं है। हिस्ट्री की बात मत करो, पिछली बात मत करो, इतिहास को मत उठाओ, सीधे 17,000 की बात करो। 17,000 देने में क्या अड़चन रही, क्यों रही, क्या बात है, अपील क्यों डालनी पड़ी। तो ये बात साफ सामने आ गई है कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। इस तरह का उनका प्रयास अपना है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कई जजमेंट ऐसे हैं जिनमें बढ़ा के आप घटा नहीं सकते। जब जो चीज बढ़ा दी गई, ऐसी नहीं बढ़ाई गई कि 5,00,000 4,00,000 हो गई हो, बढ़ाई गई बहुत नॉमिनल, बहुत नॉर्मल सी बढ़ाई गई। सब चीजों को देखते हुए बढ़ाई गई, उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए बढ़ाई गई, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए बढ़ाई गई है। और उसमें इस आधार को माना है कि 7,000 तो इनके ऊपर एक तरह से हरासमेंट है। ये तो इस तरह से गलत है ही है और वास्तव में गलत है, सभी जानते हैं। ऐसा नहीं सरकारों के व्यक्ति वालों के परिवार नहीं है, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री हो या केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्री हो या माननीय उच्च न्यायालय हो या अनरेबल सिंगल बेंच हो या अनरेबल डबल बेंच या चीफ जस्टिस साहब, ऐसा नहीं है। आकलन है, वो एक सामाजिक प्राणी पहले हैं, सामाजिक जीवन को जानते हैं, उनके आगे नौकर चाकर भी रहते हैं, वो अपने नौकरों को असिस्ट सागिर्द को अपने लोगों को सैलरी भी देते हैं। उन्हें पता है घरेलू गृहस्थी किस तरह से चलती है, क्या खर्चे होते हैं, क्या पारिवारिक जीवन यापन है, क्या महंगाई है, क्या 125 रुपए लीटर डीजल हो रहा, पेट्रोल हो रहा है, क्या पड़ता है, कितना एवरेज मोटरसाइकिल देती है, क्या मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग है, क्या बुजुर्ग 50-60-70 साल के माँ बाप की कैसी कैसी दवाएं होती है, कैसा उनका जीवन चलता है, कैसे बूढ़े माँ बाप को संभालना पड़ता है, अंधेशक को कैसे अपनी पत्नी अपने बच्चों बेटों का पालन पोषण करना पड़ता है, कैसे रिश्तेदारियां निभानी पड़ती है, कैसे मकान की मरम्मत करनी पड़ती है, कैसे सब कुछ आना जाना, दिन भर रहना, खाना पीना, कपड़े साफ स्वच्छ दिखना भी भाई स्कूल का काम है, टीचर का काम है। स्वच्छता भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, साफ चाहिए, डेकोरम भी चाहिए कोर्ट वहां का। तो साथियों, सुना आपने किस तरीके से मजबूती के साथ, मुश्तैदी के साथ परम आदरणीय डॉक्टर एपी सिंह साहब ने अंधेशकों के हित की बात रखी है, उनकी पक्ष को रखा। सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, उनकी बात का कोई तोड़ कोई जोड़ नहीं था। और ये जज साहब ने केस कल के लिए तारीख दे दी है, कल फिर सुना जाएगा। चैनल की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के लिए, शिव कुमार मिश्रा जी के लिए और समस्त अंधेशक साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने लगातार मेहनत के दम पर अंधेशकों को जीत के करीब ला दिया है। मैं पुनः सभी की विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की ख़ास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।